हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट मॉडल पेपर। ये मॉडल सेट 5 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल में जाकर देख सकते हैं, अन्यथा मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप पूरा इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके ये मॉडल पेपर को पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न एडिटिव देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, करेंगे संभावनावाद की अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी मानवीय घटक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, करेंगे मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रेड जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 3 नंबर कह रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा 3 नंबर का, तो 3 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी फ्रेडरिक रेड जेल। क्या होगा, फ्रेडरिक रेड जेल राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन एक जनसंख्या वितरण के कारक नहीं है। तो निम्न में से कौन जो है यानी जनसंख्या वितरण के कारक नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा 4 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी आवाज जो है राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला करेगी, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 5 नंबर का ए नंबर, यानी जावा में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो निम्न में से कौन जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या नहीं, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। क्या होगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे 7 नंबर का, तो 7 नंबर का राइट आंसर डी नंबर नदी घाटियों के उच्च भागों में। क्या होगा, नदी घाटियों के उच्च भागों में राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन जो है यानी कार्यशील जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है। तो 8 का राइट आंसर श्रीनंबर यानी 15 से 59 वर्ष राइट आंसर श्री नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। तो यहाँ पर हमारा 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या नहीं, आकार बिंदु। क्या होगा, आकार बिंदु राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो यहाँ पर हमारा 10 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 10 नंबर का आंसर बी नंबर होगा, यानी डॉक्टर महबूबुल हक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है कि खट्टे फल की कृषि संबंधित है। तो खट्टे फल की कृषि किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो हमारा 11 का राइट आंसर होगा श्री नंबर, यानी भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि मसाई क्या है। तो मसाई जो है यह क्या है, तो 12 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर, एक जनजाति है। क्या है, एक जनजाति है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आप लोगों को इसलिए पूरी तरीके से वीडियो को देखना है। चलिए अब यहां पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो कौन सी जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, कृषि जो है क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है जी हाँ, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोला करें कि अंगूर की खेती कहलाती है, वीटी कल्चर कहलाती है। ठीक है, वीटी कल्चर राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला करें कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर का राइट आंसर बी नंबर क्या है, यानी उष्ण आर्द्र जलवायु। क्या होगा, उष्ण आर्द्र जलवायु राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोला करेगा, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो निम्न में से कौन जो है रोपण फसल नहीं है, तो 16 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी क्या सी नंबर में क्या है, गेहूँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, तो यहाँ पर हमारा 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, श्रीनंबर के मक्का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मक्का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे जो है क्यूबा की रानी कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा 18 का राइट आंसर क्या होगा, श्रीनंबर गन्ना राइट आंसर श्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 19 नंबर, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश
देश है। तो विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा 19 नंबर का आंसर क्या हो, ए नंबर क्या है, यानी क्या हो जाएगा, यानी चिली, क्या चिली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न को, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो कर्तन दहन किसे, यानी कृषि जो है किसे कहते हैं? तो 20 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या है, आदिम निर्वाह कृषि, क्या होगा, आदिम निर्वाह कृषि, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, 21 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी पूंजीवाद, क्या होगा, पूंजीवाद, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 22 नंबर कह रहा है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या, 22 नंबर का बी नंबर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो चतुर्थ क्रियाकलाप यहाँ पर से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 23 का क्या होगा, डी नंबर यानी विश्वविद्यालय अध्ययन, क्या होगा, विश्वविद्यालय अध्ययन, जो ये क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप है। देखेंगे अब अगला प्रश्न 24 नंबर क्या बोला जा रहा है कि हेमेटाइट एस से किस धातु का उत्पादन होता है? तो हेमेटाइट एस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या, लोहा, क्या होगा, लोहा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो संसार में प्रसिद्ध वैश्विक नगर जो है निम्नलिखित में से कौन जो है सही है? तो 25 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी नंबर लंदन और न्यूयॉर्क टोक्यो, क्या होगा, राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? तो निम्नलिखित में कौन जो है व्यावसायिक नगर है? तो यहाँ पर हमारा 26 का राइट आंसर क्या होगा, एम्स्टर्डम, क्या नाम था, एम्स्टर्डम, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है निम्न में से किसे जोड़ती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पत्तन नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन जो आंतरिक समुद्रिक पत्तन नहीं है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी मेन फिश, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है? तो रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित महाद्वीप में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं 30 नंबर का। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी यूरोप, क्या होगा, यूरोप, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 31 नंबर, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या है, यानी मलेशिया, क्या हो जाएगा, मलेशिया, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या बोला जा रहा है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? तो आयात एवं निर्यात के बीच के मूल्यों को क्या कहते हैं? तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या है, यानी व्यापार संतुलन, क्या होगा, व्यापार संतुलन, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? तो भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी सार्क, क्या हो जाएगा, सार्क, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो 34 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी क्या होगा, परकिरण, क्या होगा, परकिरण, राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या बोला जा रहा है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थे? तो यहां पर क्या होगा, 35 का राइट आंसर यानी बी नंबर में 41, क्या होगा, 41, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो यहां पर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बोलेंगे तो सी नंबर क्या है, औद्योगिक नगर है, क्या भिलाई क्या है, औद्योगिक नगर है। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में
पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। तो पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है, तो यहाँ पर 37 का अंदर सी नंबर होगा। सी नंबर क्या है, काम और रोजगार के लिए पुरुष प्रवास का कारण होता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 38 नंबर क्या बोला जा रहा है, 38 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट से जवाब दे सकते हैं 38 नंबर का। तो ए नंबर यानी पश्चिम बंगाल में क्या है, सबसे अधिक जो है क्या है, जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। 39 नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो यहाँ पर 39 का आंसर बी नंबर होगा, नहीं क्या हो जाएगा, यानी 1872 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 40 नंबर क्या बोला जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहाँ पर हमारा 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर में गोवा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। 41 नंबर कह रहा है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था, अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो यहाँ पर हमारा 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या, हरियाणा, क्या हो जाएगा, हरियाणा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, तो निम्नलिखित में कौन जो है राजधानी नगर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी चंडीगढ़ क्या है, ये राजधानी नगर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है, तो यहाँ पर 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर बी नंबर यानी त्रिपुरा जो है, क्या है, भारत के दक्षिणतम राज्य है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में प्रदेशों में कौन सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 45 नंबर का राइट आंसर डी नंबर सिंधु घाटी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो भारत में गेहूं उत्पादन के अग्रणी राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर के उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति से कौन संबंधित है, तो यहाँ पर 47 का आंसर डी नंबर होगा, यानी मत्स्य पालन, क्या होगा, मत्स्य पालन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यहाँ पर 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर बी नंबर क्या, यानी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है, तो धान का कटोरा कौन कहलाता है, तो 49 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या है, यानी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, क्या कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत के बेसिन नदी है, तो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन है, तो यहाँ पर जो हमारा 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, माही बेसिन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी और नवीकरणीय संसाधन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का, यानी क्या हो जाएगा, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो पूर्व की ओर कौन प्रवाहित नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारा 53 का राइट आंसर क्या, डी नंबर यानी कृष्णा, क्या होगा, कृष्णा नदी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन 54 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर क्षेत्र जो है ये किसके लिए क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 54 नंबर का बी नंबर यानी गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, अंकलेश्वर क्षेत्र, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आप लोगों को पूरी तरीके से देख लेना है, और यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखिए नंबर क्या बोला करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है, तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट से बोलिएगा, ए नंबर एंथ्रासाइट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या है, ये लौह अयस्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, तो डी नंबर यानी लिग्नाइट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारत में कोयला
निरपेक्ष का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं 57 नंबर का, तो ए नंबर यानी क्या होगा बिटुमिन राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बिटुमिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्या बोलेगा, निम्नलिखित कोयला खादानों में से कौन झारखंड में नहीं है, तो कौन जो है झारखंड में नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बोल सकते हैं, तो सी नंबर सिंगरौली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, 59 नंबर कह रहा है कि बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर का सी नंबर लौह अयस्क जो है ये क्या है राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या बोला जा रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर 60 नंबर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्या बोला कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है, तो धारावी मलिन बस्ती कहाँ पर स्थित है, तो 61 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर क्या मुंबई राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्या बोला जा रहा है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, तो बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर यानी उपभोक्ता, क्या हो जाएगा उपभोक्ता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्या बोला जा रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां है, तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 63 नंबर का बी नंबर यानी कर्नाटक में, कहां पर है कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्या बोला जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है, तो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो 2007 से 12 तक है, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, सी नंबर में क्या है यानी 11वीं, क्या होगा 11वीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि कोलकाता पत्तन स्थित है, तो कोलकाता पत्तन कहां पर स्थित है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा डी नंबर क्या पश्चिम बंगाल में, क्या होगा इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो क्या है यानी भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर क्या होगा 66 का राइट आंसर, 66 का राइट आंसर सी नंबर जल परिवहन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्या बोला जा रहा है कि क्या भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर 67 का राइट आंसर क्या होगा सी नंबर यानी सी नंबर में क्या 18 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई तो कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी नंबर यानी 1911, क्या होगा 1911 राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या बोला जा रहा है कि तूतीकोरिन पत्तन स्थित है, तो तूतीकोरिन पत्तन कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी नंबर यानी तमिलनाडु में, क्या होगा तमिलनाडु में राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जन्य है, तो कौन सा रोग जो जल जन्य है, तो यहाँ पर हमारा 70 नंबर का आंसर क्या होगा बी नंबर में क्या होगा यानी अतिसार राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को PDF नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट यानी फ्री में लेना है तो आप लोग को गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद लिखना है आप लोग को bbphelp.com लिखेगा, एक बार मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा हाथ से लिखने में थोड़ा सा टफ है यानी bbphelp.com लिख दीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा।